chicken. What's up, भाई बड़ा boys and girls, कैसे हो तुम लोग? सबसे पहले तो आप एक के सारे भाइयों को हैप्पी दिवाली भाई, विश यू हैप्पी दिवाली। खूब मजे करना, पटाखे फोड़ना या नहीं फोड़ना वो तुम्हारा पर्सनल चॉइस है, मैं उसमें कुछ नहीं बोलूंगा। बट हैप्पी दिवाली, गवर्नमेंट के रूल्स को जरूर फॉलो करना और खुशियां मनाओ यार, मजे करो, मिठाइयां का लड्डू टापो। तो दिवाली के एक दिन पहले, जैसा कि अमीमे ने प्रॉमिस करा था कि वो सबको तोहफा देंगे, उन्होंने अपना तोहफा दे दिया है। उनके नो ब्रांड्स ईपी का थर्ड सॉन्ग सब कुछ नहीं हो अभी 12 बजे लॉन्च हो गया है और अभी कुछ 1:30 बज रहा है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और 1.5 घंटे में जाने कुछ 5 लाख व्यूज हो चुके हैं। भैया ये बंदा कुछ ज्यादा ही तेजी से आगे निकल रहा है। नहीं तो जिन भाइयों को नहीं पता उनको बता दो कि उनके पहले 2 सॉन्ग आ चुके हैं। पहले गाने का नाम था चेकमेट और दूसरे का नाम था जरूरत ही नहीं है। दोनों गाने बहुत ही सही परफॉर्म करे, बहुत ही बढ़िया गए। दोनों गाने यूट्यूब के ट्रेंडिंग पेज पे काफी ऊपर थे और अब ये तीसरा गाना आया है। आज 25 अक्टूबर को थर्ड सॉन्ग इनका आ गया है और इनका 4th सॉन्ग आ रहा है 1 नवंबर को। तो 2nd सॉन्ग निकालने के बाद जो काफी सारे स्पेकुलेशन हो रहे थे कि ये दोनों गाने कृष्णा के लिए डिस हैं या फिर डिवाइन के लिए डिस हैं, एमिवे ने इसको क्लियर कर दिया। अभी कुछ दिन पहले, 4 दिन पहले आई गेस, अपनी इंस्टा स्टोरी पर उन्होंने एक स्टोरी डाली जिसमें उन्होंने साफ बोला है कि भाई देखो, अगर मैं किसी को डिस करता हूं तो मैं नाम लेके डिस करता हूं। ये डिसमिस गेम से मैं काफी आगे चला गया हूं यार, लाइफ में हम बहुत कुछ कर रहे हैं। तो आप ये बिल्कुल भी ना सोचना कि ये वाला गाना किसी के लिए, मुझे नहीं लगता ये गाना किसी के लिए डिस होना चाहिए, क्योंकि एमिवे अभी डिस विस गेम बिल्कुल भी करने के मूड में नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया गाने प्रोड्यूस करने में लगे हुए हैं। तो चलो अब ये गाना तुरंत सुना जाए यार, इंतजार किस चीज का है। बट ये वीडियो देखने के पहले हम हर बार की तरह आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यार। हम म्यूजिक के क्रांतिकारी आदमी अवेग आपका भाई लगा हुआ है और आप खाली वो सब्सक्राइब बटन नहीं दबा रहे हो। भाई हमको क्या क्या नहीं करने का, अच्छे म्यूजिक को कहां से कहां नहीं पहुंचाने का, सबको सुनाने का है। पंटाई की पब्लिक अगर ये सुन रही है या कोई भी हिप हॉप फैन सुन रहा है या फिर कोई भी म्यूजिक फैन सुन रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, मेरे को सपोर्ट करो मेरा भाई, क्योंकि अकेले मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। हमको अच्छे म्यूजिक को पूरे हिंदुस्तान में फैलाने का है कि नहीं है? तो चलो तुरंत सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ एंड 3, 2, 1 here we go। वाह लोकेशन देखो, कुछ न्यू। अच्छा यार गाना सही जा रहा, वन टाइम की पब्लिक। वाओ मैन क्या इंफिनिटी पूल था यार ये। भाई कहाँ ड्रेक के घर में वीडियो शूट कराया गया? ये सही लाइन थी। सब कुछ न्यू। Yeah,
सब कुछ न्यू। अरे यार खत्म हो गया। अरे यार थोड़ा और लंबा होना था यार ये तो। सो बॉस गाना बढ़िया था, गाना बहुत ही चिल टाइप का था, लिरिक्स बहुत ही ज्यादा कूल थे, मुझे बहुत ही बढ़िया से लगे। मतलब कि ज्यादा वर्ड प्ले यहाँ पे करने की कोशिश नहीं करी गई है, बट एक मैसेज कन्वे करा है इस गाने में, साफ साउंड कर रहा है कि हम एनीवे अपनी नई लाइफ, जो उनको नई सक्सेस मिली उसको बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है भाई, साफ दिखा रहा है कि भाई देखो मेरा एक लेवल पहुंच गया है, मैं बहुत मेहनत से अपने फैंस के प्यार की वजह से यहां तक पहुंचा हूं, एंड नाउ आई एम लिविंग द लाइफ ऑफ माई ड्रीम। तो मतलब ये बहुत ही सही था। देखो ये भी थोड़ा दिखाना जरूरी होता है यार, क्या स्ट्रगल और हसल के बाद की जो लाइफ होती है वो भी तो थोड़ा दिखना चाहिए ना पब्लिक को। और बढ़िया बात ये थी, इस गाने में किसी को भी मुझे नहीं लगता डिस करने वाली लाइन थी, कोई डिस वाली चीज नहीं, किसी और से रिलेटेड कोई बात नहीं करी गई है, अपने से रिलेटेड बात करी गई है और जनता को एक मैसेज दिया गया है। पिछले गाने में भी जनता को एक मैसेज दिया था, इस गाने में एक मैसेज दिया है। पिछले गाने में भी उन्होंने बोला था कि तुमको लाइफ में सक्सेस पाने की किसी और की जरूरत ही नहीं है, खुद से मेहनत करो और खुद से अपनी एक जगह बनाने की कोशिश करो। और इस गाने में भी एनीवे ने वही बोला जैसे उन्होंने बोला था कि कई लोग सोते हैं अंडर सूरज चांद, सूरज और चांद के अंदर सोते हैं और फिर भी तू सोच रहा है। मतलब सीधा मतलब यही था, या जाओ मेहनत करो, हसल करो, अपने सक्सेस पाने की पूरी कोशिश करो। बहुत ही बढ़िया था यार, देखो मैसेज है, दोनों गानों में मैसेज था, बहुत ही बढ़िया गाना लगा मुझे ये। और गाने की बीट मुझे बहुत ही बढ़िया लगी, बहुत ही स्लो सुकून वाली जो बीट होती है ना, लेकिन कानों को बहुत ही सही साउंड करती है वाली बीट लगी मुझे, और जैसे कि लेट बैक चिल टाइप की बीट लगी मुझे, तो वो बहुत ही बढ़िया साउंड करी। और ऐसी बीट वाला तुम्हें एक और गाना सुनाऊं, एक सेकंड को जरा, ऐसी बीट थोड़ा सिमिलर फील वाला तुम्हें गाना सुनाता हूं। तो देख रहे हो जैसे इस वाली बीट में कुछ भाग नहीं रहा था, हल्के स्लो बीपीएम पे ये बीट चल रही, बीपीएम मतलब बीट्स पर मिनट पे ये बीट चल रही थी, है ना, और बहुत ही सही से साउंड कर रही थी। रैपर को पूरा टाइम मिलता है इसमें अपनी बात करने का, रैपर को भागने की जरूरत नहीं होती। जैसे इस वाले गाने में भी अगर आपने देखा तो एनीवे कोई बहुत फास्ट रैप नहीं कर रहे हैं, वो सुकून से अपनी लाइनें डिलीवर कर रहे हैं, अपने बार स्पिट कर रहे हैं। मुझे बहुत ही सही लगी यार ये बीट, बहुत ही पॉश लेड बैक टाइप की बीट थी। भैया ये वीडियो कहाँ शूट करा है, क्या ये ड्रेक के वन ऑफ द मैंशन पे शूट करा है, ये कौन सा मैंशन था, ये कौन सी जगह थी यार? मतलब पूरा वाइट फील, पूरे गाने में वाइट लुक, बहुत ही सही लगा मुझे ये चीज यार। मतलब कहां से ये लोकेशन लाता, कहां से ये बंदा या फिर इसकी टीम, जो भी इसकी टीम है, कहां से ढूंढते हैं भाई ये सब लोकेशन। बहुत ही बढ़िया थी, साफ लग रहा था कि एनीवे उनकी पूरी टीम साथ में चिल मार रहे हैं, एक ही घर में मजे कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, वो मुझे बढ़िया लगा यार। कभी पूल में, कभी टीटी खेल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, जो मैंने लास्ट टाइम बोला था ना कि डिवाइन के गाने में जो उनका वाइब है करके आया, जिसमें पूरा क्रू साथ में चिल मार रहा है, सेम वाला फील इस गाने में भी आया, जैसे इनका पूरा क्रू अब साथ में चिल मार रहा है, जो बहुत ही बढ़िया लगा है यार। क्योंकि देखो हिप हॉप कभी अकेले नहीं हो सकता, उसके लिए आपको अपना एक ग्रुप चाहिए, ग्रुप मतलब अपने भाई लोग जिनके ऊपर आप लाइफ से ज्यादा भरोसा कर सको, वो वाले लोग। तो बस एनीवे के गाने में वही अपने भाई लोग साथ में दिखते रहते हैं, जो साथ में मजे कर रहे हैं, एनीवे के साथ साथ में ग्रो कर रहे हैं, दैट्स क्वाइट कूल टू सी, मेरे को बहुत ही सही लगा वो। और ये कहां से देख के लगता है यार कि एनीवे एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो के इसके गानों की क्वालिटी, इनके लिरिक्स, इनके म्यूजिक, इनके वीडियोस, कहां से इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की है यार। आई मीन आप कितने सारे ऐसे म्यूजिक लेबल्स देखते हो जो आर्टिस्ट का पूरा पूरा वीडियो बनाते हैं, बट देख के वो साफ लगता है भाई वाहियात था, कुछ अच्छा नहीं लगा, मतलब दैट वाज लाइक बिलो स्टैंडर्ड। बट यहां पे आप देख रहे हो लड़का इंटरनेशनल लेवल पे चीजें डिलीवर कर रहा है यार। मतलब इसका ये जो भी ये पूरा पैकेज बनाता है, गाना चाहे वो वीडियो चाहे वो ऑडियो, वो पूरा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होता है। सो दैट्स क्वाइट अमेजिंग मैन। आगे जाके आई एम श्योर कि जब भी हिप हॉप की बात होगी ना कि भाई इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, तो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जो पहला कहा जाएगा, जिसका नाम सबसे ज्यादा हुआ है, जिसने फैलाया है, वो एनीवे होगा। ठीक है, बाकी सारे दिग्गज अपनी तरफ जिन्होंने रेवोल्यूशन लाया हिप हॉप में, वो चाहे डिवाइन हो, चाहे नेजी हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन जब इंडिपेंडेंट की बात होगी मेरे भाई, तो एनीवे इज द प्योर एंड द ट्रू इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट ऑफ इंडिया। आई डोंट थिंक दैट एनीबॉडी कैन रिप्लेस हिम। और मैं अपना अगर पर्सनल ओपिनियन बोलूं, किसी और की बात ना करूं, तो फ्रैंकली स्पीकिंग उनका ये गाना मुझे उनके पहले दो गानों से ज्यादा अच्छा लगा। अब कई सारे बोलेंगे नहीं यार चेकमेट ज्यादा अच्छा था, है ना ये वो, बट मेरे को पर्सनली ये गाना बहुत सही लगा। मुझे इस गाने में सबसे अच्छी चीज ये लगी यार, बंदे का स्टाइल साफ आया है बाहर। ठीक है,
बहुत कम गाने ऐसे होते हैं जिसमें आप बंदे का स्टाइल साउंड करे, वरना ज्यादातर लगता है कि दैट समबडी एक्स वाई जेड इज ट्राइंग टू कॉपी समबडी। इस वाले गाने में साफ लगा कि भाई अपनी लाइनें अपने हिसाब से डिलीवर कर रहा है, अपना टाइम लेके डिलीवर कर रहा है, अपने स्टाइल में डिलीवर कर रहा है। तो इसलिए मुझे गाना एमिवे का अभी तक के तीन गाने जो लॉन्च हुए उनमें बेस्ट लगा। हाँ भैया, तो ओवरऑल गाना बहुत सही था, बहुत सारी मैंने गाने की बातें कर ली, अब जरा थोड़ी पर्सनल प्राइवेट बातें करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक? नहीं करा, क्यों नहीं कर रहे? क्या चला जाएगा तुम्हारी जेब से मेरे भाई? ठीक है, तुम्हारे लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ इतनी मेहनत करके, हमें अच्छा म्यूजिक फैलाना है भाई, पूरे हिंदुस्तान में फैलाना है। म्यूजिक के क्रांतिकारी आदमी बैठे हैं भाई यहाँ पे, सब काम धंधा छोड़ के तुम्हारे लिए ये काम कर रहे हैं। तो प्लीज आप भी हमें थोड़ा सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट करो यार, मतलब आपके बिना ये सब नहीं हो सकता। अकेले मैं क्या करूंगा, वीडियो बनाऊंगा कोई नहीं देखेगा, क्या फायदा? आप अगर मेरे साथ हो गए तभी यहाँ पे कुछ चेंज ला सकता हूँ। हमें अच्छा म्यूजिक पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचाना है, ये मेरे चैनल का इकलौता सपना है, दैट्स इट। जितने ज्यादा भाई बहन हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन अच्छा म्यूजिक सुनेंगे, मेरे कानों को मेरे दिल को उतनी संतुष्टि मिलेगी भैया। तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नहीं करा तो, और लाइक्स और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। बंटाई की पब्लिक, कमेंट करो मेरे भाई, आपके कमेंट्स की मुझे बहुत जरूरत है। मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूं और हर कमेंट पे रिप्लाई करता हूं, अगर रिप्लाई की जरूरत नहीं होती तो उसको लाइक या फिर हार्ट जरूर देता हूं। तो मेरे भाई प्लीज मेरे वीडियो को भी लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट जरूर करके बताना कि तुम और क्या चाहते हो, मतलब मैं किस टाइप का कंटेंट बनाऊं। मैंने इससे पहले बायोग्राफीज बना रखी हैं, मैंने डीजे स्नेक, बिली आइलिश, एमिनेम, मार्शमेलो, पिंक फ्लॉयड, मैंने इस टाइप का कंटेंट कवर कर रखा है। आगे तुम क्या चाहते हो कि मैं किस टाइप के वीडियोस बनाऊं, म्यूजिक से रिलेटेड, इंटरनेशनल म्यूजिक से रिलेटेड, देसी म्यूजिक से रिलेटेड, ठीक है? तो मैं तुम्हारे कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं, तुम्हारे सब्सक्रिप्शन का मैं भरोसा करके जा रहा हूं कि तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे और वीडियो को लाइक भी करना मत भूलना। तो भाइयों बहनों, इस वीडियो में बस इतना ही, मैं अपना अगला वीडियो लेकर जल्दी वापस आऊंगा। टिल देन नया नया म्यूजिक सुनते सुनाते रहिए, अपने कानों को सस्ते म्यूजिक से बचा कर रखिए और #म्यूजिक सुना म्यूजिक बजाओ को फॉलो करिए। अ फेक।